अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस DIY में मैं आपको ये वाला फ्रॉक सिखाने वाली हूँ जो कि हमने बनाया है रैंडम स्ट्रिप से। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा मेरे पास टू स्टाइल्स में स्ट्रिप्स हैं, जैसे कि ये लाइनिंग में है, ठीक है, और एक आपको नजर आ रहा है पैटर्न में। और ये रैंडम स्ट्रिप्स हमारे पास बची हैं हमारे एक ड्रेस से, यानी कि जो साइड की पट्टियां अक्सर बच जाती हैं फिटिंग वगैरह की पेमाइश के बाद, ये वो वाली हैं, ठीक है। इनमें से अब मैं आपको ड्रेस फ्रॉक बनाना सिखा रही हूँ बच्ची का। तो ये देखिए हमारे पास ये रैंडम मेजरमेंट्स के साथ हैं, तो हम इसी में से आपको फ्रॉक बनाना सिखाएंगे कि हम वो किस तरह से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, तो लेट्स बिगिन टुडेज DIY। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूवर्स, हमें ये करना है कि हम एक बॉडी पीस बनाएंगे। बॉडी पीस की हमने मेजरमेंट इस हिसाब से लेनी है कि हमने यहाँ पे दो स्ट्रिप्स को साइड में यूज करना है और सेंटर में लाइनिंग को इस तरह से इन लाइनिंग का कंट्रास्ट करना है कि जो पैरेलल लाइनिंग है उनको हम साइड्स में लेंगे और जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम सेंटर पीस में लेंगे। तो आपको नजर आ रहा है ये स्ट्रिप जो है ये पैरेलल लाइंस की है, ठीक है। तो हम इसको लेंगे साइड्स के लिए, तो ये हम लेंगे तकरीबन 11 इंच लेंथ लेंगे हमारे फ्रॉक के लिए। तो ये देखें ये बॉडी पीस की कटिंग करने लगे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 11 इंच की मेजरमेंट, ठीक है। इस तरह से ये सिंगल पीस लिया है, इसको हम डबल कर लेंगे क्योंकि हम ये गुम सिलाई में बनाने वाले हैं, तो इस वजह से हम इसको डबल पीस में लेंगे। यानी ये एक साइड की स्ट्रिप है गुम सिलाई में। अगर आप चाहें तो आप इसके लिए अंदर के लिए अलग फैब्रिक भी यूज कर सकती हैं कंट्रास्ट में, लाइक यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इसके साथ में व्हाइट कलर की लाइनिंग, जो इसमें बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो ये देखें ये स्ट्रिप, अगर आपको लगता है कि ये इतनी ही है, जैसा कि अब यहाँ पे ये मुझे इसके हिसाब से छोटी लग रही है, तो मैं दूसरी स्ट्रिप भी ले सकती हूँ। तो ये देखें ये पलटने के लिए हम इस तरह से कपड़ा अंदर यूज कर सकते हैं, मैंने आपको कंट्रास्ट में दिखाया है, ठीक है। अब ये जो चीज है ये देखें इससे छोटी है थोड़ी सी, तो इसको हम साइड पे कर देते हैं, इसे हम किसी और चीज में यूज कर लेंगे। और जो दूसरी स्ट्रिप है हमारे पास, इसमें से हम ले लेते हैं इसी सेम मेजरमेंट के लिए साइड के दो पीसेज और, ये हम गुम सिलाई में बनाने वाले हैं, ठीक है व्यूअर्स। ये है लाइंस, आपको नजर आ रहा होगा कि लाइंस घूम रही हैं, इसमें सही से समझ नहीं आ रही, वो इस वजह से कि कैमरा कभी कभी लाइंस को डिटेक्ट नहीं कर पाता अच्छे से, तो ये वो वजह है, ठीक है व्यूअर्स। तो अब ये देखें ये हमारे पास लाइंस आ गई हैं, साइड के पैनल से हमें सेंटर का पीस लेना है, उसी में हमने इतनी मेजरमेंट लेनी है कि हमारा नेक होल भी बन जाए। तो अब हम वो लेंगे, तो इससे पहले के हम वो चीज लें, हम यहाँ इसको नीट कर लेते हैं अच्छे से, थोड़ी सी जो हमें इसकी रफनेस नजर आ रही है उसको हम सही कर लेते हैं। स्ट्रेट होनी चाहिए हमारा ये फैब्रिक, कोई इसमें खास वो नहीं है, तकरीबन ये 3 से 4 इंच की चौड़ी पट्टी है, तो इतना शोल्डर होता है, अमूमन 3 इंच का होता है बेबीज के लिए, तो हम यहाँ पे ये 4 इंच का है, तो कोई बात नहीं, 0.5 इंच जो है ना वो सिलाई में चला जाएगा। अब ये इस तरह से हो गया है। अब इसके हम सेंटर के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हॉरिजेंटल लाइंस लेंगे, तो हम वैसे ही करेंगे कि इसको हम हॉरिजेंटली फोल्ड कर रहे हैं और चेक करेंगे कि हमें इसमें कितनी इसकी लेंथ चाहिए बॉडी पीस के हिसाब से। ये तकरीबन 2 जोड़ जो है इसमें आएंगे शर्ट पीस में बॉडी पीस में, तो उसी हिसाब से ये पेटी बन रही है, स्टाइलिश पेटी बनेगी इसकी। तो इसमें ये देखें इस तरह से ये हमारी 11 इंच की है। आप जितना गला बनाना चाहती हैं, तकरीबन 2 इंच का बनाना चाहती हैं, आप 2 इंच का ले लें। अगर आप 3 इंच का बनाना चाहती हैं तो 3 इंच छोड़ के इसकी लेंथ ले लें। आपको जितनी लेनी है आप उतनी कर लें आपके बेबी के हिसाब से। अगर आप चाहें तो पीछे की साइड पे जिप भी यूज कर सकते हैं, जिप इसलिए ताकि आपको पहनाने में आसानी रहे। अगर आप नहीं यूज करना चाहते उसमें भी कोई मसला नहीं, आप पीछे की साइड पे स्लिट भी खोल सकती हैं। ये देखें अब मैं इसे कट कर लूंगी, ये देखें इस तरह से आपने कट कर लेना है। अगर आपके पास इस तरह से रैंडम स्ट्रिप्स बच गई हैं तो आप उससे इस तरह से काम में ला सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। ये देखें इसी तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। ये हमारे पास तकरीबन 3 स्ट्रिप्स हैं फ्रंट के लिए और 3 स्ट्रिप्स हैं बैक के लिए, जो कि डबल डबल उसमें है ताकि हम इसको अंदर की तरफ पलट सकें, फोल्ड कर सकें। अगर आप चाहें तो सिंगल पीस में भी ले सकती हैं, और जो दूसरा पीस अंदर का है वो पूरा एग्जैक्टली एक जैसा पलटने वाला भी ले सकती हैं। आपको जिस तरह से मुनासिब लगे आप उस तरह से कर लें, आपके पास जिस हिसाब से कपड़ा है, क्योंकि हम बहुत सा कपड़ा ऐसा होता है घर से ही निकालते हैं, तो हमें ये काम करना चाहिए कि हम अपने ही स्ट्रिप्स को, जो बचा हुआ कपड़ा है उसको रीयूज करें अपने बेबीज के फ्रॉक में, अपना पैसा जाया ना करें। तो अब ये देखें ये इक्वल है, तो इनको हम इसके बैक पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम जिप भी लगा सकते हैं और स्लिट भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कट लगाऊंगी इसके सेंटर में, ये बैक के लिए पीस है, इसका ये सेंटर है, इसको हम बाद में ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे फोल्ड करके कट लगाने वाली हूँ। यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 इंच का कट लगाया है व्यूअर्स,
ये देखें इस तरह से, इसको मैं जब सिलाई करूंगी तो इसमें हम चाहे तो लूप्स भी लगा सकते हैं। ये बैक साइड का पीस के लिए है, ठीक है, इसलिए हम इसको साइड पे कर देते हैं। और ये देखें, ये फ्रंट साइड का पीस है। अगर आप चाहें तो फ्रंट साइड के पीस में थोड़ी सी नोक भी बना सकते हैं, शेप बनाना चाहें अगर आप गले की तो आप वो चीज भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब जो सेकंड पार्ट है वो है इसके शोल्डर्स और आर्म होल की कटिंग का। तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं 4 इंच के शोल्डर्स। तो ये देखें, सेंटर से हम मार्क कर रहे हैं इस तरह से कपड़े की मेजरमेंट के बाद 4 इंच का, ठीक है। और आप चाहें तो शोल्डर आप अपनी बच्ची के हिसाब से ले सकते हैं। अगर उसके शोल्डर ज्यादा बड़ा है तो आप तकरीबन 4.5 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 4 ले रहे हैं। और तकरीबन 4 to 5 इंचेस तक हम यहाँ पे इसका शोल्डर लेंगे और इसको इस तरह से सीधा निशान लगा के उसमें गुलाई कर लेंगे। तो ये शोल्डर की कटिंग बहुत ही आसान है। हमने आपको आर्म होल की कटिंग और शोल्डर की कटिंग बहुत सी अपनी वीडियोस में सिखाई हुई है। नीचे से आप चाहें तो शेप कर सकते हैं इस तरह से, ये देखें इसकी लेंथ है, ठीक है। आप चाहें तो नीचे से शेप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से पेटी की मेजरमेंट आ गई है। अब अपनी बच्ची के हिसाब से ले लें, अगर वो ज्यादा हेल्दी है तो आप थोड़ी ज्यादा बड़ी पेटी बनाएं, अगर वो स्लिम एंड स्मार्ट है तो आपको इसमें जरूरत नहीं है ज्यादा खुली मतलब फ्रॉक बनाने की। तो यहाँ पे अब ये देखें, हम इस तरह से इसे ज्वाइन करेंगे। तो ये देखें, हमने जो फ्रंट का पीस है उसे थोड़ा सा नीचा लिया है और जो बैक का है वो थोड़ा बड़ा है, ताकि हमारा जो आर्म होल है नेक होल है वो पता चले कि वो बड़ा है। अब यहाँ पे हम कटिंग कर रहे हैं आर्म होल की, और इसी तरह से हम शोल्डर ऊपर की साइड की अगर कटिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं थोड़ी सी रेब में। ये देखें, कट हो गया आर्म होल, और इसकी सिलाई हम इस तरह से करेंगे। ये देखें, ये 2 पीसेज हैं, इसके आर्म होल की सिलाई करेंगे और जब ये सीधा हो जाएगा तो ये बहुत ही सही लगेगा। ये देखें, इसको हम उल्टा करके इस तरह से यहाँ पे जब सिलाई कर लेंगे तो ये सीधा होके गुम सिलाई वाला काम हो जाएगा। इसमें बहुत नीटनेस आ जाती है। आप कोशिश कीजिए अपने हर फ्रॉक में गुम सिलाई का काम करने की, इससे फ्रॉक्स में बहुत नीटनेस आती है। बहुत से लोग बिगनर जो होते हैं, ठीक है, उन्हें पाइपिंग लगानी नहीं आती, तो वो ये काम कर सकते हैं कि वो पलटने वाला काम करें। थोड़ा सा डबल कपड़ा लगता है लेकिन नीटनेस आ जाती है बहुत ज्यादा। इसी तरह से जब ये दोनों पीसेस की सिलाई हो जाएगी, यानी कि आर्म होल की, तो हम ये सेंटर पीसेस को इस तरह से ज्वाइन करेंगे। व्यूवर्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले बैक पीस के स्टक को अंदर की तरफ से सिलाई कर लेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, और इसके अंदर आप 2 लूप्स भी लगा सकती हैं जिसकी वजह से इसे बांधने में आसानी रहेगी, यानी कि बंद करने में आसानी रहेगी। 2 बटन लग जाएंगे, 2 लूप्स लग जाएंगी। तो ये देखें, जब ये एक पीस में हम इस पीस को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इस तरह से सेंटर में रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई करेंगे, तो ये देखें बहुत ही नीट बनेगा। ये मैं आपको स्टिच करना B1 सिखाती हूँ आगे वीडियो में, ठीक है, आप देखिएगा, वीडियो कंटिन्यू रखिएगा। और इसी तरह से ये वाला पीस भी लगेगा। व्यूअर्स, ये हमारे पास है प्रिंटेड फैब्रिक, इसको हमने थोड़ा सा लिया है तकरीबन जो हमारी पेटी है उससे डबल, यानी अगर हमारी 12 इंच की हमने पेटी ली है, बॉडी पीस लिया है, तो हमने ये उससे डबल लिया है तकरीबन 24 इंच का, ठीक है। इसको हम नीट कर लेते हैं साइड से। ये स्ट्रिप ही थी, ऐसे ही रैंडम स्ट्रिप थी, कोई हमने सलग कपड़ा नहीं लिया। ये इसमें हम सिर्फ डिजाइनिंग के तौर पे बीच के हिस्से में बेल्ट के तौर पर यूज करेंगे, और ये बहुत ही प्यारा लगेगा। और ये एक्स्ट्रा हम इस वजह से ले रहे हैं ताकि हम इसमें बो बना सकें। रिबन बो जैसे होती है उस तरह से हमने इसमें 2 बोज बनानी है सेंटर पीस में, ठीक है, तो इस वजह से हम ये एक्स्ट्रा पीस ले रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज करेंगे। व्यूअर, जैसा कि हमारा शर्ट पीस बॉडी पीस कुछ इस तरह से दिखेगा, तो जब हम इस स्ट्रिप को, यानी जो हमने इसमें बेल्ट बनाना है उसको फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे तो वो कुछ इस तरह से लुक देगा। लेकिन हम आपको साथ साथ डिजाइनिंग भी सिखा रहे हैं। हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और 2 हिस्से जो ये 2 पॉइंट है यहाँ पे सिलाई लगेगी, तो यहाँ पे हम वो भी बना के लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने इसको कट आउट किया है और ये आपको डिजाइनिंग समझाई है। अब हम आपको बताते हैं हम इसकी फ्रिल किस तरह से लगाएंगे। व्यूअर्स, आपने देखा ही है इस वीडियो में कि हमने पतली स्ट्रिप से जो है बॉडी पीस बनाया, और जो ये लंबी चौड़ी स्ट्रिप है, ठीक है, इससे हम बनाने वाले हैं इसकी फ्रिल, नीचे की फ्रिल। इसमें हम देंगे बॉक्स प्लेट, और ये देखें, आपको यहाँ पे लाइनिंग की थोड़ी सी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन ये आप देखें ये वर्टिकल लाइन्स हैं, ठीक है। हमने वर्टिकल पैरेलल लाइन्स को इस तरह से, लाइनिंग कपड़े को आपको हमेशा कंट्रास्ट में यूज करना चाहिए कि अगर ऊपर की तरफ सीधी है तो नीचे की तरफ आड़ी होनी चाहिए। देखिए, हमने कपड़े का सेंटर कर लिया है इस तरह से। अब हमने इसमें देनी है बॉक्स प्लेट। बॉक्स प्लेट्स हमने देनी है तकरीबन 2-2 इंच के फासले से। ये देखें, 2 इंच का गैप इधर से है और 2 इंच का ही गैप दूसरी तरफ से है। दोनों तरफ से 2-2 इंच का गैप रखा है, और इसको जब हम स्टिच कर लेंगे, यहाँ पे मैं आपको कॉमन पिन लगा के दिखाती हूँ। ये देखें, हमने कॉमन पिन लगाई है। जब हम इतने से पीस को स्टिच कर लेंगे, ये स्ट्रेट लाइन हमने स्टिच करनी है व्यूअर्स, ठीक है, इस तरह से। और जब हम इसे सीधा करेंगे, ये देखें,
इस तरह से जब हम इसे फोल्ड करेंगे, इसको हमने सेंटर से इस तरह से स्टिच करना है, और जब हम इसे फोल्ड करेंगे ये हमारे पास बॉक्स प्लेट रेडी हो जाएगी। ठीक है, अब हमने ये करना है व्यूअर्स के 4 इंच के गैप से, ना कि 2 इंच के गैप से, 4 इंच के गैप से एक निशान लगाना है इस तरह से। ठीक है, आप चाहे तो टक लगा लें, चाहे तो हाथ के अंदाजे से फोल्ड कर लें जैसे कि हम कर रहे हैं। ठीक है, इसको फोल्ड करके आपने दोबारा से 2-2 इंच का जैसे हमने पहले निशान लगाया है इसी तरह से निशान लगाना है। सेम यहाँ पे हम मेजर कर लेंगे, और ये बॉक्स प्लेट वाला काम खसूसी तौर पे मैं आपको कह रही हूँ कि ये मेजरमेंट से लाजमी करेंगे, क्योंकि बहुत से काम ऐसे होते हैं लाइक गला बनाना हम अंदाजे से कर लेते हैं, कांधे की कटिंग भी अंदाजे से हो सकती है, लेकिन ये जो बॉक्स प्लेट का काम है अगर आप ये अंदाजे से करेंगे तो ये आपको बहुत मुश्किल होगी बाद में। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप ये काम निशान लगा के करें ताकि आपको आसानी रहे बाद में। सेंटर का निशान लगाएं, फिर 2 साइड्स के लगाएं, फिर अगर आपको लगता है कि आपको और बॉक्स प्लेट्स की जरूरत है तो आप और बॉक्स प्लेट दे रहे हैं, तकरीबन 5 बॉक्स प्लेट देना चाहते हैं। यहाँ पे हमने 2-2 इंच की जैसे बॉक्स प्लेट दे रहे हैं तो हम 2 से 3 से 5 बॉक्स प्लेट दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो करीब करीब भी दे सकते हैं। करीब करीब में आप ये कर सकते हैं कि आप 1-1 इंच की बॉक्स प्लेट दें 1-1 इंच के गैप से। जैसे हमने यहाँ पे 2 का हिस्सा लिया है, 2 इंच की हमने इसमें बॉक्स प्लेट बनाई है, तो हमने इसमें 2 इंच का गैप देके दोबारा 2 इंच की बॉक्स प्लेट बनाई है। ठीक है, इसी तरह से आप 1 इंच की बॉक्स प्लेट बना के 1 इंच का गैप दे दें तो वो आपकी वो भी फ्रॉक भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको सिर्फ अंदाजे के लिए बता रही हूँ, यहाँ पे हमने 2-2 इंच का दिया है, अगर आप ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको आइडिया के तौर पे बता रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको इसकी कटिंग समझ आ जाएगी हो गई। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग की तरफ लेके चलती हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने आर्म होल जो है इसका, ठीक है, इसकी सिलाई कर लेनी है, वो मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, वो मैंने आपको नहीं दिखाई ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो में आप तंग आ जाते हैं और वीडियो पूरी नहीं देखते। देखिए इस तरह से मैंने ये सिलाई लगा ली, और इसकी जो गुलाई वाला हिस्सा है इसमें मैं टक लगा रही हूँ। टक लगाने का मकसद ये होता है ताकि गुलाई अच्छी हो जाए, बहुत ही नीट हो, और ये देखें इस तरह से मैंने सिलाई के बाद इसमें टक लगा लिए, और आयरन भी मैंने साथ ही रखी हुई है ताकि जब मैं इसे फोल्ड कर लूँ तो इसको मैं अच्छे से आयरन कर लूँ और ये बहुत ही नीट हो जाए। गुम सिलाई का काम बहुत ही नीट तरीके से किया जा सकता है। ये देखें इसको इस तरह से पकड़ें, और आप चाहें तो इसको साथ साथ प्रेस कर लें इस तरह से। ये देखें इसमें नीटनेस आ जाएगी। कॉटन फैब्रिक को स्टिच करना ज्यादा इजी होता है, कंफर्टेबल होता है, बजाय इसके कि रेशमी को किया जाए, लेकिन अगर हम रेशमी कपड़े में भी इसी तरह से स्टिच करेंगे तो वो भी इसी तरह से हो जाएगा। ये देखिए मैंने नीट काम पहले से किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये स्ट्रिप जो हमने बनाई थी व्यूवर्स, इसको भी हमने स्टिच कर लिया है। ये देखें यहाँ जो सेंटर पीस है इसका, इधर से हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी है, यानी कि बखिये को सिया ही नहीं, सिलाई नहीं ली, थोड़ा सा छोड़ दिया गैप। ये साइडों से अच्छे से सिलाई किया हुआ, यानी एंड पॉइंट से अच्छे से सिलाई कर लिया है, और इसका जोड़ सेंटर में रखा है ताकि जब हम इसे सीधा करें तो इसका जोड़ ना नीचे की तरफ आए ना ऊपर की तरफ आए, बल्कि बैक पे चला जाए, पीछे की तरफ चला जाए, नजर ना आए। तो इसको जब हम सी के सीधा करेंगे तो इस तरह से दिखेगी। सीधा करने के बाद हमने इसे आयरन कर लिया और ये बहुत ही नीट लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। ठीक है व्यूअर्स, अब हम आपको दिखाते हैं कि अब हमने इसको किस तरह से स्टिच करना है इसके सेंटर पीस को। ये देखिए स्लिट वाला जो इसका हिस्सा था उसको हमने स्टिच कर लिया है। इसको हम ज्वाइन इस तरह से करेंगे बॉडी पीस में कि ये एक साइड लेंगे इसकी और इसे इस तरह से पकड़ के और ये एंड पॉइंट से स्टार्ट करना है। आपने सेंटर का जरा मार्जिन नहीं लेना, या एंड से इस तरह से सिलाई करेंगे और जो फ्रंट पीस होगा उसको हम दूसरी तरफ रख के सिलाई करेंगे। और आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो खुले हुए हिस्से हैं, यानी कि जो कि सिलाई नहीं हुए हुए ओपन पीसेज हैं, उनको आपने नीचे की तरफ रखना है, जो कि फ्रिल पीस के साथ अटैच होंगे। ठीक है व्यूअर्स, अब हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखाते हैं। ये देखिए अब हम इसे स्टिच कर रहे हैं, और ये देखें ये वाला जो आर्म होल वाला पीस है ये है। ठीक है, इसमें हम इसी तरह से जैसे कि अभी आपको हमने समझाया है उस तरह से इसमें रखेंगे फ्रंट के और बैक के पीसेस को और स्टिच करते जाएंगे। ये देखें इस पीस को हम यहाँ पे इसके साथ मैच करके रखेंगे इस हिसाब से कि ये दोनों एक लाइन में है। ठीक है, और इसके ऊपर पलट के रखने से ये देखें नीट हो जाएगा। अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। स्टिचिंग के बाद देखिए व्यूअर्स, ये सिलाई इस तरह से हुई है कुछ। इसको जब हम दूसरी तरफ से यानी गुम सिलाई करना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ हम किस तरह से करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से इस तरह से इसको सिलाई करके सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरह से, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जब हम इसे इस तरह से सीधा करते हैं तो जो सिलाई है इसको अंदर की तरफ रखेंगे। ठीक है, इस तरह से
इस सिलाई को हमने रखना है अंदर की तरफ और इस पीस को इसके ऊपर रख के हम फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर नीट सी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से इस साइड से भी हम समझा देंगे। देखें, फोल्ड करेंगे इसे, अंदर की तरफ सिलाई करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। व्यूअर्स, ये देखें हमने ये साइड दोनों साइड सिलाई कर ली है और ये बहुत ही प्यारी लग रही है। अब हमारे पास इतना सा काम रह गया है कि हमने इसकी साइड की सिलाई करनी है। साइड की सिलाई के बाद ये बॉडी पीस रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हमने फ्रिल किस तरह से बनानी है। तो हम फ्रिल बनाना स्टार्ट करते हैं जो कि हमने बनानी है बॉक्स प्लेट की। तो ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे पास बॉक्स प्लेट की फ्रिल आ गई है, ठीक है, जो कि हमने निशान लगाए थे, मेजरमेंट की थी और कॉमन पिन्स लगाई थी। ये देखें 2x2 इंच की हमने जो बॉक्सेस बनाए थे और उनमें सिलाई लगानी थी। तो यहाँ से हम ये कॉमन पिन निकाल लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे 2 इंच की, जो कि हमने आपको निशान लगा के बताया हुआ है कि 2 इंच ही विड्थ लेनी है और 2 इंच ही लेंथ लेनी है। तो इसके ऊपर हम सिलाई लगा के इसके पूरे पीस को स्टिच कर लेंगे। हमें जितनी इसमें बॉक्स प्लेट चाहिए उतनी ले सकते हैं, 3 लेनी है आपने, 5 लेनी है, या आपको अपने कपड़े के हिसाब से देख लें कि अगर आपका कपड़ा ज्यादा अर्ज का है तो आप ज्यादा ले लें, अगर आपका कपड़ा कम अर्ज का है तो आप कम बना लें। आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आपके कपड़े पर डिपेंड करता है, आपकी ख्वाहिश पर डिपेंड करता है। ये देखें व्यूअर्स, हमने बॉक्स प्लेट रेडी कर ली है। साइड में आप देख सकते हैं हमने कुछ पीस छोड़ा है। इस तरह से हमने तकरीबन इसमें 5 बॉक्स प्लेट दी हैं। आप चाहें तो अपने फैब्रिक के हिसाब से इससे ज्यादा भी दे सकती हैं और अगर आप चाहें तो 3 भी दे सकती हैं, इनफ होती है 3 भी। और अगर आपको 5 बॉक्स प्लेट जैसे कि वीडियो में अच्छी लग रही है तो अगर आपको अच्छी लगे तो इसी तरह से कर लें। इसी तरह से हम ये दूसरा पीस भी इसी मेजरमेंट के हिसाब से रेडी करेंगे, यानी फ्रंट और बैक की 5-5 बॉक्स प्लेट लाजमी देनी है। अगर आपने फ्रंट पे 5 बॉक्स प्लेट दी है तो बैक पे भी उतनी ही दें। इसको हम फ्रिल पीस के साथ किस तरह से अटैच करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ व्यूअर्स, कि हमने अपनी मेजरमेंट इस तरह से करनी है कि फ्रिल के हिसाब से, ये देखें इसमें हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा पीस मिला है तो हम इसको अटैच इस तरह से करेंगे मेजर करके। इसमें हमें जरा से भी एक्स्ट्रा कपड़े की गुंजाइश नहीं होती। जैसे अगर हम चुने देते हैं फ्रिल में तो उसमें हमें थोड़ा सा आसरा होता है कि हम अगर कहीं पे हमारा कपड़ा कम ज्यादा हो जाए तो हम चुन दे सकते हैं फ्रिल में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई इस तरह की उम्मीद नहीं होती। तो हमें चाहिए कि हम पूरी मेजरमेंट के साथ काम करें। तो हमने यहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट लेनी है इसी के हिसाब से, ठीक है, फ्रिल की और बॉडी पीस की, और उसके बाद हमने इसे स्टिच करना है। हम इसको स्टिच करने वाले हैं। अब व्यूअर्स, मैं अब आपको इसे स्टिच करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये देखें हमारी ये जो फ्रिल है बॉडी के साथ अटैच हो गई है। अब हमने ये करना है कि हमने जो ये बेल्ट बनाया था कंट्रास्ट कलर में, तो इसको हम इसके सेंटर में लगाएंगे। ये जो इसका जोड़ है इसको आप छुपाने की नीयत से समझ लें, या इसको इनहेंस करने के लिए आप समझ लें कि हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखें हमने डबल डबल साइज की 2 स्ट्रिप्स ली थी, यानी 24-24 इंच की 2 स्ट्रिप्स ली थी, एक लगेगी फ्रंट पे और एक लगेगी बैक पे। तो हमने इसके सेंटर से इसे मेजर करना है, सेंटर से इसे लगाना स्टार्ट कर सकते हैं आप। देखें ये इसका सेंटर है, ठीक है, यहाँ से हमने से आधा इस तरफ से उस राइट साइड से लेके जाना है लेफ्ट साइड की तरफ, और इसी सेंटर से हमने लेफ्ट साइड पे करना है, यानी आधा इसका निशान लगा के उसके बाद इसको लगाना स्टार्ट करना है। वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। और जो साइड में हमारे पास एक्स्ट्रा पीस बचेगा फ्रंट और बैक के, तो उससे हमने साइड में नॉट बांधनी है, बो बनानी है। इससे ये हो सकता है कि हम इससे फिटिंग भी कर सकते हैं और उससे ये आपको डिजाइनिंग का इसमें मौका मिलता है। आप डिजाइन समझ के इसे लगा सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे स्क्वायर पीस के स्टाइल में भी सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं आपको इसकी सिलाई लगा के दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये देखें फ्रंट और बैक पे हमने इसी तरह से स्क्वायर शेप में सिलाई लगा ली, और ये देखें एक्स्ट्रा पीसेस बचे हुए हैं साइड पे, इसमें हम नॉट बांधेंगे। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से हमने इसकी स्टिचिंग की है, और इसके बाद हम यहाँ पे इसमें ये नॉट बांधने के बाद एक बो बना सकते हैं, टाई बना सकते हैं। ये आप समझ लें कि हम फिटिंग के लिए भी कर रहे हैं और हम डिजाइनिंग के लिए, स्टाइल के लिए भी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इस बात को एक्सप्लेन किया है।
व्यूअर्स, हमारा ये फ्रॉक स्टाइल रेडी हो चुका है। आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि हमने ये पिक्चर, ये आइडिया कहाँ से लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके नीचे पे भी हमने फॉल लगाई है। ये देखें, ये वाली पिक्चर जो है हमने आइडिया के तौर पे ली थी, और इसी तरह से हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि हम घर की जो हमारे पास बची हुई कपड़ा होता है, स्ट्रिप्स होती हैं, उसको इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं और सेम डिजाइन बना सकते हैं। और ये तकरीबन सेम डिजाइन है, इसमें सिर्फ मेजरमेंट का फर्क आपको नजर आ रहा होगा कि उसकी मेजरमेंट ज्यादा है, यानी फ्रिल की मेजरमेंट ज्यादा है, और इसमें पेटी की मेजरमेंट ज्यादा है, यानी पेटी हमने बड़ी बनाई है और फ्रिल छोटी बनाई है। और ये दोनों, ये फ्रॉक बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो ये बहुत ही अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इनकेस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में जरूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।